और अब बुलेटिन में बात होगी देवभूमि के 5000 दुश्मनों की। 4 दिन बीत चुके हैं, देवभूमि के 5000 से ज्यादा दुश्मनों को पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। ये वही 5000 दंगाई है जिन्होंने 8 फरवरी को बनभूलपुरा को आग में झोंक दिया, जिन्होंने साजिश के तहत मासूमों को मारा भी और पुलिस तक पर हमला किया। कितने मकान, दुकान और गाड़ियों में इन्होंने तोड़फोड़ की, लेकिन अब 5000 दंगाई बुरी तरह से डर गए। वे कांप रहे हैं और सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि एक एक दंगाई को पकड़ा जाएगा, कोई बचेगा नहीं। कुल मिलाकर मैसेज लाउड एंड क्लियर है, पुलिस को शूट एंड साइट का ऑर्डर भी है, चाहे कहीं पर भी छिप जाएं, हर एक दंगाई का हिसाब होगा, ये बात तय मानी जा रही है। और हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी में हिरासत में लिए गए 100 आरोपी, ये सूत्र बता रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गुरुवार को हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया, 100 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, जो सूत्र बता रहे हैं। अब आपको ये बताएं कि ये जो 100 आरोपी हैं, इनसे इनके सहयोगियों के बारे में भी जानकारी पुलिस आसानी से इकट्ठा कर पाई। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस ने देर रात हल्द्वानी में स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, कई इलाकों के पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची और अलग अलग जगहों से 100 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गुरुवार को हिंसा के स्क्रिप्ट लिखने वाले व्यक्ति से जुड़े हुए हर शख्स तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है, हर एक सबूत को जुटाने की कोशिश कर रही है। तो हल्द्वानी में बीती रात जिन जिन इलाकों में पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जहां से 100 आरोपियों को हिरासत में लिया, अब वो इलाके आपको बताने की कोशिश करते हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पुलिस की टीम ने कड़े पहरे में छापेमारी की है। अभी आपके सामने ही देखिए मैप, ये उत्तराखंड का पूरा मैप और उसका ये इलाका हल्द्वानी, जहां पर गुरुवार को हिंसा भड़की थी। अब इसके किदवई नगर में बनभूलपुरा, चूंकि ये हॉट सेंटर है बनभूलपुरा, तो यहां पर पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा इंदिरा नगर का इलाका था जहां पर पुलिस की टीम ने रातों रात ऑपरेशन छेड़ दिया, और पुलिस के ऑपरेशन में इक्का दुक्का नहीं बल्कि 100 की संख्या में जो आरोपी हैं पुलिस की हिरासत में जा चुके हैं। तो आप इस मैप के जरिए देख रहे हैं कि कौन कौन से इलाके, किदवई नगर, इंदिरा नगर और बनभूलपुरा, यहां से दंगाई उठाए गए हैं और अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये किस तरह से सम्मिलित थे या नहीं थे, और अगर ये सम्मिलित थे तो इनको उकसाने वाला, भड़काने वाला कौन था और इनके साथी और कौन कौन है, ये सारी बातें अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। अनुज, 100 लोगों को हिरासत में लिया गया जो सूत्र बता रहे हैं, क्या जानकारी पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर? जी, निश्चित तौर पर करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उनके कॉल के उनके फ़ोन के लोकेशन को चेक किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हिंसा के वक्त वो उनकी मौजूदगी कहाँ थी। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें आज इजाफा हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ के बाद अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आती है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि जिस तरीके से इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, 29 जनवरी के बाद इसकी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, और ये बात भी जांच के दौरान सामने आ रही है कि कुछ लोगों को बाकायदा बाहर से भी बुलाया गया था उनको इस हिंसा में शामिल करने के लिए। इतना ही नहीं, पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, क्योंकि जांच के दौरान ये पता चला है कि कई इलाके के लोग जो हैं, जो रोजाना काम पर जाते थे, वो उस रोज दंगे वाले रोज, हिंसा वाले रोज, वो दोपहर के वक्त ही घर में आ गए थे। ऐसे में क्या उनको बुलाया गया था, इस चीज की जांच की जा रही है, और यही वजह है कि व्हाट्सएप एंगल की भी जांच पुलिस कर रही है ताकि इस पूरे मामले की कड़ियां जो हैं वो जोड़ी जा सके। लेकिन अब तक की जांच के बाद इतना जरूर साफ है कि इसकी पूरी साजिश रची गई थी, एक स्क्रिप्ट तैयार की गई थी हिंसा की, और कहीं ना कहीं इसमें जो नाम सामने आ रहा है वो अब्दुल मलिक का नाम सामने आ रहा है। बहरहाल, अब पुलिस की टीमें जो हैं इलाके में, कई इलाकों में रात में भी पुलिस की टीमों ने दबिश दिया, जहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ स्थिति को सामान करने की भी कवायद लगातार जारी, हालांकि बनभूलपुरा का जो इलाका है यहां पर अभी भी कर्फ्यू है, लेकिन आसपास के इलाकों में कर्फ्यू दी गई है, दिख रही है पुलिस प्रशासन की कई सारी बटालियन जो है वो ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अब
कार्रवाई को लेकर पुलिस जिस तरह से कदम उठा रही है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जल्द से जल्द सारे दंगाई जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। शुक्रिया अनुज, आप नजर बनाए रखिए। अब आपको हल्द्वानी में कर्फ्यू और इंटरनेट बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों और छात्रों को क्या परेशानियां हो रही है वो दिखाते हैं। आपसे समझना चाहेंगे, आपका एग्जाम है, नेट इंटरनेट सेवा बंद है। जी मेरा एग्जाम है अभी 21 फरवरी को, बोर्ड का एग्जाम है, मैं 10th के बोर्ड के एग्जाम दे रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि कर्फ्यू की वजह से स्कूल्स बंद हैं, वो ऑफिस सब कुछ बंद है, मतलब ट्यूशन स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, कुछ भी नहीं खुला है और नेट भी नहीं है, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है पढ़ाई करने के लिए, कोई भी रास्ता नहीं है। हमें सारी जो भी है बुक्स कॉपी से करना होता है, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या आएगा, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो स्कूल वाले रेडी करवाते हैं, लेकिन अब स्कूल भी नहीं है और अब सैम्पल पेपर्स भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, फ्रेंड्स के साथ स्टडी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हिंसा हुई, क्या नहीं लगता है कि कुछ लोगों की वजह से सबको इसका सामना करना पड़ता है परेशानियों का, कुछ लोगों की गलती की वजह से? मतलब हाँ, कुछ लोगों की वजह, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं था, हम लोग तो बिल्कुल ऐसे शांत थे, हमें तो मैं तो सो रही थी, मुझे तो कुछ नहीं पता था, और फिर एकदम से एकदम खतरनाक सा हम बवाल होता है और पटाखों की आवाज़, उसकी आवाज़ आती है फायरिंग की और आग लगती है, तो हमारी छत से सब दिख रहा था, हमें पूरी आग का वो उसकी सारी फ्लेम्स दिख रही थी, हमें बिल्कुल काला हो गया था आसमान। तो हम सब के लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, यहाँ तो किसी ने नहीं देखा होगा शायद ये सब जो हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और मुझे लगता है कि हाँ, कुछ लोगों की वजह से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब तो हमें कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, नेट नहीं है, तो बहुत दिक्कत। कैसा मंजर था उस वक्त, समझना चाहेंगे, क्योंकि आप मैंने तो मतलब हम छत से ही देख रहे थे, तो सिर्फ ये दिख रहा था काला धुआं बिल्कुल आसमान में और फ्लेम्स दिख रही थी।